इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है श्री नरेश चंद्र जैन, मंजू जैन, अनुज जैन, नेहा जैन, कासन वाले, श्री किशन चंद जैन, निर्मल जैन, नितिन जैन, निधि जैन, अतिशय जैन, आर्जव जैन, कासन वाले, शक्तिनगर, दिल्ली, मैसर्स दुर्गा प्रसाद मित्र सैन जैन, कुतुब रोड, सदर बाजार, दिल्ली। जय जिनेन्द्र। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम अभिषेक एवं वृहद शांति धारा में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। दर्शकों, हरियाणा मानेसर के अतिशय क्षेत्र कासन स्थित श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर में विगत 29 अक्टूबर 2023 को श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज एवं आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से वे परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी मुनिराज ससंग के पावन सानिध्य में विश्व का प्रथम 5 मंजिला 65 फुट ऊंचा 735 प्रतिमाओं से युक्त अनुपम मान स्तंभ के 5 वर्ष एवं मंदिर के 25 वर्ष पूर्ण होने पर अभिषेक एवं वृहद शांति धारा का आयोजन किया गया, जहां भक्तों ने उपस्थित होकर असीम पुण्य का लाभ लिया। तो आइए बिना देरी किए दिखाते हैं आपको कार्यक्रम की पावन झलकियां। हरियाणा मानेसर के अतिशय क्षेत्र कासन स्थित श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर में विगत 29 अक्टूबर 2023 को श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज एवं आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से व परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी मुनिराज ससंग के पावन सानिध्य में विश्व का प्रथम 5 मंजिला 65 फुट ऊंचा 735 प्रतिमाओं से युक्त अनुपम मान स्तंभ के 5 वर्ष एवं मंदिर के 25 वर्ष पूर्ण होने पर अभिषेक एवं वृहद शांति धारा का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में भक्तों ने उपस्थित होकर धर्म लाभ अर्जित किया। इस दौरान सर्वप्रथम मुनि ससंग का आगमन मंदिर जी में होता है, जहां वह उच्चासन ग्रहण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारिकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तत्पश्चात पंडित जी द्वारा नमोकार मंत्र की पवित्र पंक्तियां को पढ़ा जाता है, जिसने समस्त वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित कर दिया। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सव्यसाहूणम नाभ्यादिजनादिपास्ते भुवनाख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रवतयो ए चक्रणो द्वादशा। ये विष्णु प्रति विष्णु लांगल धरा सप्तोच्चरा विशति त्रैकाले प्रतितास्त्रिशिष्ट पुरुषा कुर्वन्तु ते मंगलम। हि सर्वो सदृद्यासु तपसां वृद्धिं गता पञ्चये हि चाष्टाङ्ग महान्निमित्त कुशला चाष्टौ व्यचारिणा। पञ्च ज्ञान धरास्त्रो अपि बलिनो ये बुद्धिरीदीश्वरा सप्ते ते सकला चिता गृणभत कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम।
कैलाशो व्रसवश्य निर्वदमही वीरश्य पावापुरे चंपायं वसुपूज्य सज्जनपते सम्मेद शैले हृदाम शोषणमपि शोजयन्ति शिखरे नेमीश्वर से हतो निर्वाणावन्य प्रसिद विभवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु तो मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम ओम रुण मरियण पश्चिम दिशा समागत नागत बिन नन वन बारे ईतान सर्वान रक्ष रक्ष ओम फट स्वाहा ओम रुण मोजन उत्तर दिशा समागत आगत बिन नन वन बारे ईतान सर्वान रक्ष रक्ष ओम फट स्वाहा सीता सीतो दान नारी नन कंद स्मरण रूप कुला रक्त रक्त दा श्रीराम बोधिन दिजम सण प्रक्षालितम परिपूर्णतम नवरत्न गंध पुष्पाजु मावितकम दम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रम जल्प भक्तिकरण नमः स्वाहा क्षीराण वस पयसम सुच भी प्रभाव प्रक्षालितम सूर्यवर यदने कबार अत्युद्यमुद्दत महम जिन पाद पीठम प्रक्षालयामी भव संभवता पुहारी ओमि जलिन पीठ प्रक्षालनम करोमि स्वाहा धुरंत मोहिशंताने कांतारे दक धर्मी प्रज्ञाम ज्वाला पल्लवितांबरम यम पांडु कामल शिलागत मादि देव मसना पयन सुर वरा सुर शैल मूर्द कल्याण मीव सुर चत तो ये पुष्प संभावयामि पुर एव तदीय बिंबम उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरि सुधीप सुदूप फलार्ग कई दवल मंगल गाने रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम जे ओम रीम श्री परम ब्रह्मणे अनंतान ज्ञान शक्ति अष्टादश दोष रहताय षट चत्वार गुण सहित अरहत परमेश्वर नमः हरे घम द्रव पामिति स्वाहा। इसके साथ ही पांडुकशिला पर श्रीकार लेखन के साथ श्री जी को सर पर विराजित कर पांडुकशिला तक लाया गया एवं विधि विधान से प्रतिमा जी को पांडुक शिला पर विराजमान किया गया। केसरी और गुलाली उड़ी नाचे अंगी अंगी केसरी और गुलाली उड़ी नाचे अंगी अंगी और संयम की पिचकारी उड़ गए करे दुला दंग चले इंद्र के टोली खेले हम साथ होली चलो प्रभु जिलाई चलो प्रभु जिलाई चलो प्रभु जिलाई चलो प्रभु जिलाई ओ गुरुवरी तेरी रहमतों का हुआ ऐसा असर क्या कह रहे हैं ओ गुरुवरी तेरी रहमतों का हुआ ऐसा असर खुशियां पता पूछती हो खुशियां पता पूछती मेरा ढूंढती है घर या पता पूछती मेरा ढूंढती है घर ओ गुरुवरी तेरी रहमतों का हुआ ऐसा असर ओ गुरुवरी तेरी रहमतों का हुआ ऐसा असर खुशियाँ पता पूछती मेरा ढूंढती है घर खुशियाँ पता पूछती मेरा ढूंढती तेरी माया कोई समझ न पाई हारे हुए को गले से लगाई तेरी माया कोई समझ न पाई हारे हुए को गले से लगाई फिर नहीं जाऊं कहीं मैं थक चुका हूँ चल नहीं पाऊँ अब रुक चुका हूँ चल नहीं पाऊँ अब मैं रुक चुका हूँ
उगुरी वरी फटी कून में अब यहाँ से बाहर उगुरी वरी भट्टी कून में अब यहाँ से बाहर खुशियाँ पता पूछती हो खुशियाँ पता पूछती मेरा ढूंढती है घर खुशियाँ पता पूछती मेरा ढूंढती है घर करिता हूँ विनती तेरे दर पे आ करे मुझको बना ले बाबा तू अपना चा करे करिता हूँ विनती तेरे दर पे आ करे मुझको बना ले बाबा तू अपना चा करे भक्ति के रंग में रखना अब के डूबा करे सुधर जाए जीवन तेरे गुड़गा की ओ बाबा चरणों में अपने दे दे थोड़ी जगह ओ बाबा चरणों में अपने दे दे थोड़ी जगह खुशियाँ पता पूछती हो इसी बीच मुनिश्री द्वारा कुछ विशेष जानकारी उपस्थित श्रावकों से साझा की गई। आचार्य सुत सागर जी महाराज के सानिध्य में ही माने स्तंभ का पंच कल्याणक हुआ, वहाँ पर 135 प्रतिमाएं विराजमान हुई और उन 135 प्रतिमाओं का पहली बार 5 साल में पहली बार आज यहाँ पर अभिषेक हो रहा है। ऐसा शुभ अवसर बाबूजी कई साल से लगे थे कि महाराज चलो चलो, मैं कोरोना से पहले भी आया था, बस यहाँ से थोड़ी दूर निकल के जाके फिर कोरोना हो गया। और वैसे तो चतुर्मास कहीं और होना था, इधर का तो कोई चांस नहीं था, लेकिन यहाँ की जो है ये भूमि गुड़गांव और बादशाहपुर और कासन ऐसे क्षेत्रों के जीवों के पुण्य थे, जिसके कारण जो है क्योंकि साधु के चरण भव्यों के भाग्य से पड़ते हैं, ऐसा ये शुभ अवसर कि जो 5 वर्ष में आज पहली बार यहाँ पर अभिषेक हो रहा है, माने स्तंभ की जो प्रतिमाएं हैं उन सभी प्रतिमाओं का आज यहाँ अभिषेक शांति धारा करने का अवसर प्राप्त होगा। तो पहले मूल नायक आदिनाथ भगवान का बोले परम पूज्य पाठशाला पिंडित मुनि श्री हनुमान सागर जी मुनिराज की जय कारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। संग साधु का हो तो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता को आकार दिखाई देता है, और जहां पूज्य गुरुदेव हनुमान सागर जी विराजमान हो वहां हर दिन त्योहार दिखाई देता है। महाराज जी के आशीर्वाद से अभी एक शुभ सूचना मिली है जिसे मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। किसी भाई ने 4 कलसी सोने की मंदिर जी को महाराज जी के चरणों में अर्पित करने का वादा किया, अनुमानित लागत 2 लाख रुपए और साथ में कहा है मेरा नाम मत बताना गुप्त जाने। तत्पश्चात भक्तिमय वातावरण में पुण्यशाली जीवों ने प्रभु का अभिषेक कर धर्म लाभ अर्जित किया। बस भैया बस हो गया एक
बेहद ही अद्भुत दृश्य इस दौरान देखने को मिल रहा था, क्योंकि एक साथ 735 जैन बिंबों का अभिषेक इस दौरान किया जा रहा था। कलसा ढालो रे ढालो रे हरो नरे नरे, कलसा ढालो रे हरो नरे नरे। ओ पक्षनाथ की प्रतिमा हमको आगे बड़ी प्यारी, आदिनाथ की प्रतिमा हमको आगे बड़ी प्यारी। कलसा ढालो रे ढालो रे डा नरे नरे, कलसा ढालो रे ढालो रे। नवनी कराओ माता त्रिशिला की लालिका, नवनी कराओ माता त्रिशिला की लालिका, त्रिशिला के लालिका सिद्धार्थ के गोपालिका। एक ही बरस का एक ही कलसी और आठ दिनों के आठ, एक ही बरस का एक ही कलसी और आठ दिनों के आठ। एक ही हजार आठ कलशों से नाई जग सम्राट, एक ही हजार आठ कलशों से नाई जग सम्राट। डालो रे कलसा ढालो रे ओ कलसा ढालो कमालो रे पुण्य भारी। और थोड़ा 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 प्रभु का नवन कर ले। सोने की कलिसों में जली भर ले, चांदी की कलिसों में जली भर ले। थोड़ा प्रभु के नवन से बड़ा ही सुख पाएगा, प्रभु के नवन से, प्रभु के नवन से बड़ा ही सुख पाएगा। प्रभु सागर से तो तेरे जाएगा, तू भी सच्चे मन से मनन कर ले, भी सच्चे मन से मनन कर ले। थोड़ा 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 प्रभु का नवन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का नवन कर ले। अधि नाम प्यारा महावीर ना प्यारा, अधि नाम प्यारा, अधि नाम प्यारा महावीर नाम प्यारा। सुर नर मुनियों ने इनको पुकारा, तो भी सच्चे मन से मनन कर ले, तो भी सच्चे मन से मनन कर ले। थोड़ा 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 प्रभु का मनन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का नवन कर ले। इसी बीच कार्यक्रम के दौरान गणमान्य सदस्यों का स्वागत सम्मान भी किया गया। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते पार्षद उतंग्राय वस्त्राय शुक्लजयन पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय भूताय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चतुर्भुजनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्य अनंत सुखाय सिद्धाय भूताय त्रिलोक वंशकराय सत्य ज्ञानाय सत्यदाने पंडित मंडल मणिताय
मुनि आरिका श्रावक श्रावक से तुम नाशनाय घाज गरम विनाशनाय घाज गरम विनाशनाय अवाद मजमा का छिन छिन मिन मिन मृत्यु छिन छिन मिन मिन अधिगामा छिन छिन मिन मिन अधिगामा छिन छिन मिन मिन क्रोधा छिन छिन मिन मिन अग्नि भया छिन छिन मिन मिन सर्व शत्रु भया छिन छिन मिन मिन सर्व उपशर्ग छिन छिन मिन सर्व विघ्न छिन छिन मिन मिन सर्व भया छिन छिन मिन सर्व राज भया छिन छिन मिन सर्व चोर भया छिन छिन मिन सर्व दुष्ट भया छिन छिन मिन मिन सर्व भया छिन छिन मिन मिन चक्र श्री रमेश चंद जी संदीप जैन सर परिवार श्री दिनेश जैन सर परिवार श्री राहुल जैन सर परिवार श्री डॉक्टर विनय जैन सर परिवार से नितिन जैन सर परिवार से मुकुल जी जैन सर परिवार हिमांशु जैन सर परिवार मुकेश जैन सर परिवार लाला मामचंद जी जैन सर परिवार से अभिनव जैन सर परिवार से सचिन जैन सर परिवार से दयाचंद जी जैन सर परिवार श्री प्रदुम जी जैन सर परिवार श्री विनय जैन सर परिवार श्री पीयूष जैन सर परिवार से अमित जैन सर परिवार अजय सुधा जी जैन सर परिवार श्री गौरव जैन काशनवाली सर परिवार योगेश जैन सर परिवार श्री रमेश मंजू जैन सर परिवार से प्रदीप महेश चंद जैन सर परिवार देशस्य राशस्य पुरस्य रागम करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। संगीतबद्ध कार्यक्रम में श्रावक श्रेष्ठ ही गुरुवर के श्री चरणों में अर्घ्य अर्पित करने पहुंचते हैं। अब समय था गुरुदेव के मुखारविंद से मंगल वाणी श्रवण करने का। यहाँ इतनी प्रतिमाओं का एक साथ अवसर करने का अवसी करने का अवसर प्राप्त हुआ है और वो भी 5 वर्ष बाद। इन प्रतिमाओं का 5 वर्ष पहले जब पंच कल्याणक हुए थे यहाँ पर उस समय अभिषेक हुआ था और उसके बाद अब जाके कहीं ऐसा ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। वैसे उम्मीद नहीं थी लेकिन नरेश जी हमारे पास कई बार गए, अनुष्का भी खूब प्रयास था, इन्होंने भी चतुर्मास के लिए चतुर्मास यहाँ होगा तो महाराज काशी तो पहुंच ही जाएंगे। और उस बीच में कि महाराज काशन का प्रोग्राम कब बनाना है लेकिन गुड़गांव में ही ऐसा चलता रहा कि समय ही नहीं मिला। एक प्रोग्राम होता था उसके बाद दूसरा प्रोग्राम तुरंत बन के तैयार हो जाता। कई कई बार ऐसा हुआ है एक एक दिन में 3-3 प्रोग्राम किए हैं। इतना लोगों के अंदर उत्साह, वैसे ये प्रोग्राम पहले हमने 15 तारीख का सोचा था लेकिन 15 तारीख को वहां पर रामायण प्रारंभ हुई, अभी जैन रामायण दिखाई गई तो जिसके कारण 15 तारीख का वह कार्यक्रम नहीं बना। लेकिन उसके बाद जो है 29 तारीख का कार्यक्रम फाइनल हुआ कि 29 तारीख को करते हैं और इन्होंने बहुत ही प्रयास करके सभी जगह कि जहां जहां से बस आना चाहे
तो हम उसके लिए पूरा सहयोग करेंगे, लोग आए। ये क्षेत्र आप ही का क्षेत्र है। आज अपने पास समय कम होने के कारण दिल्ली वाले तिजारा जाते, पहले दिल्ली से तिजारा कोई भी जाता था तो वह कासन गाड़ी जरूर आती थी। यानी पहले दिल्ली से कोई भी कासन दर्शन करने जाता था तो कासन जरूर आता था, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ कि अब सीधे निकल जाते हैं। टाइम का अभाव हो गया, ने अन्यथा जैसे हम भी पहले एक आकर बस लेकर आए, ग्रस्त अवस्था में जब थे तो तिजारा के कभी महावीर नहीं गए कहीं पर भी, लेकिन कासन जरूर आते थे। और यहाँ पर ये अक्षय क्षेत्र है, ये यहाँ का बहुत प्राचीन क्षेत्र है। यहाँ पर जैन समाज हजारों की संख्या में रहते थे। आज भी दिल्ली में कासन के हजारों घर हैं। यदि ये कासन वाले ही इस क्षेत्र को संभाल लें तो ये क्षेत्र कहीं से कहीं पहुंच जाए। और जो हमारे बुजुर्गों की धरोहर है, उस धरोहर को हमें ध्यान में रखते हुए हमें उसकी सुरक्षा करना चाहिए। ये कल जब मैं वहां पुरानी प्राचीन जगह पे गया, देखिए वो प्राचीन जगह है, और जितना हम अपने क्षेत्र को साफ सुथरा रखेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, उतने हमारे जीवन में सुख शांति आदि जो रहेगी। आप किसी भी क्षेत्र पर जाओ लेकिन अपने गांव को जरूर ध्यान रखो। और इसका हमें, जैसे मैं कहता हूं कि यहाँ पर आप सब प्रयास करके यहाँ जगह भी आती है, स्कूल आदि प्रारंभ करें, गुरुकुल आदि प्रारंभ करें, जिसमें बच्चे रहेंगे तो वो अभिषेक आदि करेंगे और लोगों का यहाँ पर जो है आना जाना रहेगा। तो यहाँ एक स्कूल जरूर खुलना चाहिए जिससे हमारी संस्कृति सभ्यता आदि जो है जीवंत रहेगी। जो ये क्षेत्र बना है, अब हमें ये विचार करते हुए कि इस क्षेत्र को हमें कैसे सुरक्षित रखना है, नहीं अन्यथा आज हम क्षेत्र तो बना देते हैं पर उसकी देख रेख नहीं हो पाती और समय चलते चलते वह क्षेत्र हमारे हाथों से निकल जाते हैं। जो आज हमारे हाथ से जो क्षेत्र निकल गए हैं उसका कारण यही है कि उनकी हमने देखभाल आदि नहीं की तो वह क्षेत्र हमारे हाथ से चले गए, क्योंकि हम नहीं जाते आते अब मालिक याद जो है अभी तुमने रखा है वो तो देखता रहेगा, लेकिन उसके बाद तो पीढ़ी बदलती है, एक आध पीढ़ियों के बाद फिर उनके ही कब्जे हो जाते हैं। तो अब हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमारा कोई भी क्षेत्र किसी के हाथ में ना जाए, उनकी हम ही सेवा आदि जो है करते रहें, अपने जो युवा पीढ़ी है आदि को उनको जोड़ें। और यहाँ पर जैसे ये 720 प्रतिमाएं जिन्होंने दी हैं उन परिवारों से संपर्क करके उन्हें जोड़ो, क्योंकि देखो हम प्रतिमा तो दे देते हैं कि इनमें उस समय जब पंचकल्याण के समय हमने भी कई लोगों के क्या नाम है प्रेरणा करके कई लोगों ने विराजमान करवाई प्रतिमाएं, लेकिन प्रतिमा देने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ हम जाकर जो है कम से कम नहीं तो साल में एक बार उन प्रतिमाओं का अभिषेक करके जरूर आए, तब तो देना हमारा जो है सार्थक है। कि जो प्रतिमा हमने विराजमान की है उन प्रतिमाओं का अभिषेक आदि जो है जरूर होना चाहिए। ये सब आप देखिए कि इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। आचार्य कुंतकुंद स्वामी ने श्रावक के दो कर्तव्य कहे हैं, दान और पूजा।
तो ये अभिषेक आदि जो है इससे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। तो अपना ऐसा जितने यहाँ कासन वाले हैं उन सभी को, कासन वालों को सबको जोड़ के देखिए, मंदिर जो है, मंदिर किसी का पर्सनल नहीं होता, पर मंदिर जो है समाज की धरोहर है। और हमें अपने अंदर से ऐसे भेदभाव आदि छोड़कर और हमें अपने क्षेत्रों की रक्षा करने का संकल्प करना चाहिए कि हमें अपने क्षेत्रों की, क्योंकि परमेष्टि वो होते हैं जिनके जो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, और भक्त वो होता है जिसके अंदर भेदभाव नहीं होता है। बस ये मंदिर हमारा दिगंबर जैन मंदिर है और हमें दिगंबर जैन मंदिर में आराधना करना है और उसकी हमें सुरक्षा करना है। साल में एक बार ऐसा आयोजन जरूर करते रहना चाहिए, ठीक है। जैसे 720 प्रतिमाओं का ना कर पाओ तो कम से कम जो है कि 24 भगवान की शांति धारा, साल में एक बार ऐसा महा आयोजन जरूर कर लेना चाहिए। शायद मैं पहले आया था 2020 में, तब करा के गया था शांति धारा यहाँ पर, और उसके बाद जो है इतनी शांति धारा फिर अभी हो रही है। और इसी के साथ मंदिर जी की वेदियों में विराजित श्री जी की खड़गासन प्रतिमा की शांति धारा की गई। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते पार्षद तुतंग्राय वस्त्राय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चकुंदनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञान अनंत वीर अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वंश कराय सत्य ज्ञान सत्य दान पंड मंडल मंडाय पवित्र मंत्रों की ध्वनियों के बीच श्रावक श्रेष्ठ हेतु की शांति धारा इस बीच एक बार पुनः भक्त गुरुदेव के श्री चरणों में अर्घ्य लेकर पहुँचे। निश्चित रूप से ऐसे सौभाग्य बेहद ही पुण्यशाली भक्तों को प्राप्त होते हैं। कि एक साथ 735 जिन प्रतिमाओं का अभिषेक करने का अवसर प्राप्त हुआ हो। इसी के साथ दिनांक 29 अक्टूबर 2023 को आयोजित अभिषेक एवं वृहद शांति धारा का समापन सानंद रूप में हुआ। तो दर्शकों, हरियाणा मानेसर के अतिशय क्षेत्र कासन स्थित श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी मुनिराज ससंग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए विश्व के प्रथम 5 मंजिला 65 फुट ऊंचा 735 प्रतिमाओं से युक्त अनुपम मानस्तंभ के 5 वर्ष एवं मंदिर के 25 वर्ष पूर्ण होने पर अभिषेक एवं वृहद शांति धारा में प्रभु एवं गुरु भक्ति के रस से मुग्ध भक्त नजर आए। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेश चंद जैन, मंजू जैन, अनुज जैन, नेहा जैन कासन वाले, श्री किशन चंद जैन, निर्मल जैन, नितिन जैन, निधि जैन, अतिशय जैन, अर्जव जैन कासन वाले, शक्तिनगर दिल्ली, मेसर्स दुर्गा प्रसाद मित्र सैन जैन, कुतुब रोड सदर बाजार दिल्ली।